मुझे नहीं लगता है कि एडी आ पाएगा। हमें एडी के बिना पूजा शुरू कर देनी चाहिए। आना होगा एडी आपको। अगर अगर मेरी गणपति बाप्पा में सही श्रद्धा है, अगर मेरी इस परिवार की ओर भावना अच्छी है और इस लक्ष्मी पूजन के लिए मेरी भक्ति सच्ची है, तो आपको आना ही होगा एडी, आना होगा आपको। मैं इंतजार कर रही हूँ। एडी चाचू, आप बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। सब यही कह रहे थे कि आप लक्ष्मी पूजन पे वक्त पे नहीं आएंगे। क्या मैं अपनी सबसे लाडली भतीजी से किया हुआ वादा कभी तोड़ सकता हूँ? I'm sorry दी, आने में थोड़ी देर हो गई। हनी में चल। मलिष्का चाची, अब लग रही है परफेक्ट दिवाली। लीजिए जजमान, आरती की थाली। अब आप आरती शुरू कीजिए और आप भी अपना हाथ लगाइए। अब आप अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। हमेशा मेरे हाथों तकलीफ में रहो, इससे बड़ा आशीर्वाद मैं तुम्हें दे ही नहीं सकती। मिस्टी
के बाद फुलझड़ी जाने का मजा ही अलग है। चलो ना चाचू। Come on चाचू, how boring you are. Come on, I don't know. Come, चलो चलो। मैं अभी दवाई ले आती हूँ। मैं खुद लगा लूंगा। अरे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग फुलझड़ियां चलाओ, मैं दवाई लगा कर आता हूँ। सालों के बाद हमने दिवाली इतने खुशियों से सेलिब्रेट की है ना। हाँ, दो तीन दिन कैसे निकल गए पता नहीं चला, और दीपावली भी खत्म होगी। कितने सालों बाद हमने दिवाली इतने खुशियों से सेलिब्रेट किया है ना, और इसका श्रेय जाता है मलिष्का चाची को। मंदिरा आप? राधा ताई, ये आपके लिए। अरे आप खड़े क्यों हो गए, प्लीज बैठिए ना। आप लोग भी आइए ना। अरे नहीं नहीं, हम लोग तो नाश्ता करके आए, आप प्लीज बैठिए। श्योर जी, आपसे क्या फॉर्मेलिटी। और आप लोग क्यों खड़े हो गए, आप भी बैठिए ना, नाश्ता कीजिए। हमने नाश्ता कर लिया ताई। इतने सालों में पहली बार दिवाली पे आप हमारे साथ घर पे नहीं थे, हम लोगों ने आपको बहुत मिस किया। फैट आजी ने तो अपने हाथों से ये सब पैक करके भेजा आपके लिए। इसमें जरूर लड्डू होंगे। उन्होंने कहा सिर्फ आपको देने हैं। आपके लिए एक सरप्राइज भी है, इनफैक्ट आपके और अधिराज जी के लिए। वो क्या है कि शादी में सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ ना कि हम लोग कुछ कर ही नहीं पाए। अब मंदिरा तुम ही। ये आपके लिए। ये क्या है? ताई वो फॉरेस्ट रिजॉर्ट है ना, वहां पे 3 दिन और 2 रातों का हनीमून पैकेज है। बहुत अच्छी जगह है, सिर्फ 3-4 घंटे दूर, मंडोरी घाट के पास। वो मैं कुछ काम से कल मुंबई से बाहर जा रहा हूँ, कल मेरी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं। चाचू ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, काम तो होता रहेगा, हनीमून के लिए इससे अच्छी जगह और कौन सी हो सकती है। हाँ चाचू, नहीं आप बिल्कुल सही कह रही है, डोंट मिस इट चाचू।
एडी ये क्या? क्या हुआ दी? बच्चों ने मुझे बताया कि तुम राधा के साथ 3 दिनों के लिए हनीमून पर जा रहे हो। क्या ये बात सच है? जवाब दो एडी। देखो एडी, तुम उसके साथ हनीमून पर जा रहे हो इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इन्हीं 3 दिनों में हमारी कुछ बिजनेस मीटिंग्स हैं, और फिर तुमने अभी अभी बिजनेस संभालना शुरू किया है, और फिर ये अपॉइंटमेंट्स तुम ही ने तो फिक्स की है। मैं जानता हूं दी, और राधा के घर वालों को उस वक्त ना कहना ठीक नहीं था, और वैसे भी अपॉइंटमेंट्स तो पोस्टपोन की जा सकती है ना। यही तो मैं कह रही हूं एडी कि हनीमून पोस्टपोन भी हो सकता है, बाद में चले जाना। और अविनाश की दी हुई टिकट्स पोस्टपोन हो सकती हैं एडी। मैं चेंज करवा दूंगी। मैं भी तो वही कह रहा हूं दी, टिकट्स भी तो एक कमिटमेंट है। पर उनकी ओर से, तुम्हारी ओर से नहीं एडी, तुम्हारी पहली कमिटमेंट है अपॉइंटमेंट्स। ये अपॉइंटमेंट्स हमारे बिजनेस को कहां से कहां ले जा सकते हैं, इनकी कैंसिलेशन मार्केट में हमारी गुडविल को अफेक्ट कर सकती है। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं दी। जानते हो, फिर भी तुम इन्हीं 3 दिनों में जाना चाहते हो। देखो एडी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट करे। बस मुझे इतना ही कहना था, बाकी चॉइस इज योर्स। करो मेघना, सर दुखता है। किसे समझा रही हो तुम जया? किसे? अरे इसे तो लोगों को परेशान करने में मजा आता है। मुझे? कैसी बातें कर रही हैं आप आजी? आई मैं किसी को परेशान कर सकती हूँ भला? एक्चुअली आजी, मुझे पता है कि आप क्यों परेशान हो रही हैं। मेरी वजह से नहीं, वो तो मंदिरा और अविनाश अब तक क्यों नहीं आए, इसीलिए आप परेशान है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अविनाश, राधा कशी आए भेटली? क्या बात है मंदिरा, अविनाश इस तरह बिना कुछ बोले चुपचाप अंदर क्यों चला गया? नहीं आजी, कुछ भी नहीं, राधा ताई बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मंदिरा, हमने तो तुमसे पूछा नहीं कि राधा परेशान है या नहीं। सच सच बताओ बेटे, बात क्या है? नहीं आई, सब कुछ ठीक है सच में। वो मुझे पता था आप दोनों राधा ताई के बारे में ही पूछ रहे होंगे, उनको लेकर फिक्र होगी, लेकिन सब कुछ ठीक है सचमुच। ठीक है मंदिरा, बेटा तुम जाओ आराम करो, थक गई होगी। जी मंदिरा,
मेघना तुम भी अंदर जाओ, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। आई, मुझे राधा की फिक्र हो रही है। मुझे भी, मुझे लगता है कि अविनाश और मंदिरा जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मंदिरा, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूं? हाँ अविनाश, आज आखिर में शेरगिल हाउस में जो देखा, पता नहीं क्यों लेकिन उसे भुला नहीं पा रहा हूं। मैं भी बहुत परेशान हूं। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वहां कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, वरना राधा ताई को इतना उदास मैंने कभी नहीं देखा। उनकी हंसी में भी वो बात नहीं थी जो बचपन से देखते आ रहा हूं। अविनाश, राधा ताई किसी मुसीबत में तो नहीं होंगी ना? अरे नहीं, ताई किसी मुसीबत में नहीं होंगी, वरना वो मुझे बताती जरूर। हाँ लेकिन अब उनकी शादी हो गई है और शादी के बाद लड़की का पहला घर उसका ससुराल फिर मायका होता है, और वो ससुराल में हुई कोई भी बात चाहे छोटी हो या बड़ी अपने मायके में नहीं बताएंगी। शायद तुम ठीक ही सोच रही हो, मुझे भी कुछ कुछ यही लग रहा है। जितना ही जिंदगी में संभालने की कोशिश कर रहा हूं बात उतनी ही बिगड़ती जा रही है। जिंदगी में पहले ही प्रॉब्लम्स कम थी, जो ये नई प्रॉब्लम्स आकर खड़ी हो गई हैं। क्यों क्यों मुझे राधा के साथ हनीमून पर जाने का दिखावा करना पड़ रहा है? नहीं, मैं हनीमून पर नहीं जाऊंगा। दी का कहना सही है, मेरे बिजनेस के कमिटमेंट ज्यादा जरूरी है। नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा। चाचू, हाय। चाचू क्या सोच रहे हो? चाचू आप फॉरेस्ट रिसोर्ट का नाम सुनकर बाहर क्यों चले आए? आप हनीमून पे नहीं जाना चाहते हैं? चाचू ऐसा मत करना वरना मलिष्का आंटी को बहुत बुरा लगेगा। प्लीज चाचू। चाचू उनका दिल टूट जाएगा, आप मना मत कीजिए। वैसे चाचू हम दोनों आपके लिए एक सरप्राइज लाए हैं। गिफ्ट? हाँ यस चाचू, हम दोनों की तरफ से आप दोनों के लिए। कांग्रेचुलेशंस। हैंडीकैम? हाँ चाचू, आपके और मलिष्का चाची के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम भी देखेंगे फॉरेस्ट रिसोर्ट इस हैंडीकैप में, राइट चाचू? कम ऑन चाचू, कम ऑन, से यस नाउ। यस, ये चाचू, बाय चाचू। कैसे बताओ, कैसे बताओ इन्हें कि जिसे ये अपनी चाची समझते हैं उसने हम सबको कितना बड़ा धोखा दिया है। उसने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे शेरगिल परिवार को धोखा दिया है। नफरत करता हूं मैं उससे, नफरत।